महाभारत होने का मूल कारण, मूल वजह क्या थी महाभारत की? द्रौपदी। क्यों भैया महाभारत होने की मूल वजह क्या थी? द्रौपदी। भैया आप बता, द्रौपदी, दुर्योधन नहीं, शकुनी नहीं, धृतराष्ट्र नहीं। अच्छा न्याय करते हैं आप लोग। आप लोग द्रौपदी को कसूरवार ठहरा रहे हैं, पर द्रौपदी को जो निर्वस्त्र कर रहा है आपको उसका कसूर नहीं दिखता। इन कथाओं से आपका दिमाग बहुत विकसित होता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। जैसे आपने अभी क्या अपना ओपिनियन दिया कि नहीं द्रौपदी जिम्मेदार है, इसका मतलब आप पूरा जानते नहीं हैं, ना तो आपने पूरा जानने की कोशिश की। आपने पूरे महाभारत में एक पात्र को पकड़ लिया कि द्रौपदी ने कह दिया कि अंधों के अंधे होते हैं, इससे महाभारत हुआ। इससे महाभारत नहीं हुआ भाई, द्रौपदी ने तो कह दिया कि अंधों के अंधे होते हैं, तो दुर्योधन ने इसका बदला ले लिया भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतार कर। दुर्योधन ने तो इसका बदला ले लिया ना भाई, हमने आपको कुछ कहा और आपने भी कुछ कर दिया तो बदला हो गया ना। अच्छा ये बताओ मुझे, द्रौपदी ने कह दिया कि तुम अंधे हो क्या? अंधों के तो अंधे ही होते हैं, यही तो बोला था। अब एक शब्द से, इन शब्दों से क्या हुआ, द्रौपदी को भरी सभा में दुर्योधन ने केस पकड़कर दुशासन घसीट कर लाया और उसे निर्वस्त्र करना चाहा। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या आप किसी को गलत बोल दो, माना कि आपने बोल दिया, तो क्या उसका दंड यह है कि भरी सभा में आपके कपड़े उतार कर आपको निर्वस्त्र किया जाए? बताओ क्या यह दंड सही था? जो दंड द्रौपदी को दिया गया, शब्दों का दंड, शब्दों के बदले दंड, क्या वो दंड सही था? उत्तर दो, सही नहीं था? सही था क्या? अब बताओ, द्रौपदी ने तो बोला था, उसका दंड उसे मिल गया, कपड़े उतारे गए दुशासन के द्वारा, नहीं उतार पाया, वो भगवान की कृपा थी, ये बात तो खत्म हो गई। अब इस बात से महाभारत कहां हुआ बताओ? महाभारत की मूल वजह वो नहीं है जो आप बता रहे हैं कि द्रौपदी ने बोल दिया। महाभारत की मूल वजह है एक नारी का अपमान। नारी का अपमान ना किया होता कौरवों ने तो कभी महाभारत ना होता। जो नारी का अपमान कर दिया, उसके कपड़े भरी सभा में उतारे गए, इस कारण महाभारत हुआ। महाभारत होने के बहुत सारे कारण हैं, उसमें एक कारण है द्रौपदी का अपमान। हाँ या ना? अच्छा, अपमान किया इससे भी महाभारत ना होता, इसके बाद भी रास्ता खुला था संधि का। भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे, क्या बोला था, हमें 5 गांव दे दो पांडवों को, क्या बोला था, 5 गांव दे दो पांडवों को, 5 गांव मांगा था भगवान ने, पर दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, वो भी नहीं दे पाया। यदि 5 गांव दे दिया होता तो बताओ महाभारत होता? होता या नहीं होता? क्यों दादाजी आप बताओ? यदि 5 गांव धृतराष्ट्र शांति से दे देते पांडवों को रहने के लिए, क्या महाभारत होता? नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि महाभारत इसलिए हुआ क्योंकि धृतराष्ट्र जैसे राजा ने
अपने बच्चों का सही सही बंटवारा नहीं किया, परफेक्ट बंटवारा किया होता, पांडु के पुत्रों को उनका अधिकार दे दिया होता और अपने बच्चों को भी उनका अधिकार दे देते। पांडवों को 5 गांव चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था, 5 गांव दे देते। पांडवों का जो राज्य था वो इंद्रप्रस्थ था, इंद्रप्रस्थ पर कब्जा कर लिया दुर्योधन ने जुआ जीतने के बाद। तो पांडवों ने कहा कि भाई साहब हमारा राज्य वापस कर दो। तो दुर्योधन बोला नहीं मैं राज्य वापस नहीं करूंगा। तो भगवान ने कहा राज्य के 5 गांव दे दो। बोले वो भी नहीं दूंगा, सुई की नौक बराबर नहीं दूंगा। और जब आप दूसरे की संपत्ति हड़प लेते हैं, अपने भाइयों का धन हड़प लेते हैं, तो फिर आपका नाश होता है। इसलिए मैं आपको एक बात कहूं, कभी किसी की जमीन जायदाद मत अपने पास रखिएगा बेवजह। जो आपका है उसे छोड़िए मत, और दूसरे का है 1 रत्ती 1 इंच अपने पास मत रखिए, चाहे वो तुम्हारे भाई का ही क्यों ना हो। तुम्हारे भाई का है तो भाई को दे दो, बड़े पिता का है, बड़े पिता के लड़कों का है, उन्हें दे दो। आप दूसरे का मत रखो, तुम्हारी ईमानदारी की कमाई तुम्हारे लिए करोड़ों की है और वह तुम्हें बढ़ाएगी। और तुमने दूसरों का हड़प लिया तो क्या पाओगे? ईश्वर के घर देर है साहब, जो जैसा करता है यही भोगता है। वहां तो भोगता ही होगा जो भोगता होगा, यहां भोगता है साहब। किसी का धन मत हड़पिएगा, चोरी मत कीजिएगा कभी। चोरी करने से कोई धन्ना सेठ होता तो सारे चोर धन्ना सेठ हो जाते। चोरी करने से धन्ना सेठ नहीं हो सकता कोई, ईमानदारी के ईमानदारी से आप अपना काम कीजिए, ईमानदारी से आप अपना मेहनत कीजिए। पांडवों ने गलती, कौरवों ने गलती क्या की? पांडवों का धन हड़प लिया, पांडवों का धन हड़प लिया। और तब क्या हुआ? महाभारत। अच्छा, महाभारत होने का एक दूसरा कारण भी है, इसलिए आप लोगों से मैं एक प्रार्थना कर दूं। दादाजी कितने बेटे हैं आपके? एक, बढ़िया है। आपके कितने हैं बगल वाले भैया? एक। और आप? आपके दो। तो आपने बंटवारा कर दिया कि नहीं? हाँ कर दिए। हाँ अच्छा, दोनों इकट्ठे हैं, दोनों इकट्ठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इकट्ठे हैं फिर भी उनका बंटवारा कर देना चाहिए। इकट्ठे हैं तो और अच्छी बात है, बता दो कि भाई ये वाला खेत तुम्हारा, ये वाली प्रॉपर्टी तुम्हारी, ये वाली तुम्हारी। भाई लड़ाई झगड़ा करके बच्चे अलग हों वो अच्छा है, या प्यार मोहब्बत से आप बांट दो। और वो देखो बंटवारा होने के बाद भी वो दोनों साथ रहें, इससे अच्छा क्या है? आज नहीं तो कल बंटवारा तो करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता? क्यों जी, बंटवारा करना पड़ेगा कि नहीं? तो बंटवारा लड़ाई झगड़ा करके करना चाहिए कि राजी मर्जी से करना चाहिए? आप बताओ, लड़ाई झगड़ा करके बंटवारा करना चाहिए कि राजी मर्जी से? सुन लो ध्यान से, जितने यहां बुजुर्ग लोग बैठे हैं बहुत ध्यान से सुनना, करोड़ों की बात बोल रहा हूं। अपने बच्चों का समय रहते बंटवारा कर दो, बंटवारा कर दो, और उन्हें ये बताओ कि बेटा ये रहा तुम्हारा घर, ये तुम्हारा घर, ये तुम रहो साथ में, एक चूल्हे में रोटी बनाओ, पर तुम्हें ये पता हो कि ये वाला बिजनेस तुम्हारा है, ये वाली दुकान तुम्हारी, ये वाला घर तुम्हारा, और रहो साथ में और एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहो। वरना समाज में क्या होता है,
भाई भाई आपस में लड़ते हैं, लड़ लड़ के बाप के पास जाते बंटवारा करो बेटो, बाप नहीं करता बंटवारा, नहीं करूंगा, तो वो लड़ते हैं और फिर बंटवारा होता है तो फिर वो एक दूसरे की देहरी नहीं चढ़ते सारी जिंदगी कि मैं अब तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगा। झगड़े की जड़ तीन, जड़ जोरू और जमीन। झगड़े की जड़ तीन, जड़ जोरू और जमीन। तो जमीन झगड़े की बहुत बड़ी जड़ है, इसलिए जमीन जायदाद बांट दो, कुछ बुढ़ापे के लिए अपने पास रखना चाहिए, जो हमारी सेवा करेगा वो लेगा, सब ना दे देना, वरना बच्चे सब लेके तुम्हें बाहर भी कर सकते हैं। कलयुगी भाई, अब कलयुग में किसी का भरोसा नहीं, कलयुग में औलाद का भी भरोसा नहीं कर सकते, सारे औलादें तो नहीं होती ऐसी, पर बहुत सारे होते हैं। अभी गौरी गोपाल आश्रम में क्या हुआ, एक बेटी आई अपनी माँ को लेने, बोली महाराज जी हम अपनी माँ को लेके जा रहे हैं, सेवा करेंगे। हमने कहा अच्छा चलो माँ को लेने बेटी आई है, बेटा नहीं आया, बेटी आई, बहुत खुशी हुई कि चलो बेटी लेकर गई। बेटी ने रखा एक माह, और एक माह में सारी माँ की जो घर था, जो बैंक बैलेंस था, सब अपने नाम ट्रांसफर किया, और एक माह के बाद, एक माह दस दिन के बाद फिर छोड़ के चली गई। तो हम जितने अच्छे से इस चीज को समझते हैं, जानते हैं, उतने अच्छे से शायद आप लोग नहीं समझते होंगे। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, फिर भी अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचा के रखो।